गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है दशहरा का नवमी और अभी सुबह के लगभग 6:30 के आसपास हो रहे हैं। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ क्योंकि मुझे फ्रूट्स वगैरह और ब्रेकफास्ट भी सब कुछ करना रहता है। तो लेट से उठने से क्या होता है ना कि हम लोग ज़्यादा कुछ खा नहीं पाते, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह जल्दी उठूँ ताकि मैं कुछ कुछ खा पाऊँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बुलाया खाने के लिए, क्योंकि मेरा होमोग्लोबिन और पूरा जो भी ब्लड टेस्ट मेरा हुआ था सब कुछ बहुत ही ज़्यादा कम आया था रिपोर्ट में, तो जिसकी वजह से मुझे खाने के लिए बोला गया। तो मैं सुबह जल्दी उठती हूँ क्योंकि लेट से उठने से ना खा नहीं पाते हम लोग। तो अभी सुबह के 6:30 के आसपास हो रहे हैं, तो मैं सुबह में उठ करके थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ, हल्का सा पानी पी लेती हूँ, उसके बाद फिर ब्रश करके और अब मैं कुछ फ्रूट्स कट कर रही हूँ। फ्रूट्स कट करके मैं पहले फ्रूट्स खा लूँगी और फ्रूट्स खाते खाते मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने जो रात में जो सोख किए रहते हैं उनको, जैसे कि आज मैंने बस बादाम और अखरोट लिए हैं तो उसको मैं छील लूँगी। बादाम का छिलका मैं निकाल कर खाती हूँ, मैं छिलका के साथ नहीं लेती हूँ। और यहाँ पे फ्रूट्स खाते खाते साथ साथ मैं इसके छिलके को भी कवर को निकाल ले रही हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आप मेरे चैनल पर हैं, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुँच सके। और थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। आप अपना प्यार, अपना सपोर्ट इसी तरीके से मेरे ऊपर बनाए रखिएगा। मेरे प्रेगनेंसी का 9 मंथ स्टार्ट हो गया है और डॉक्टर के पास भी आज मुझे जाना है चेकअप के लिए, क्योंकि लास्ट मैंने 8 मंथ में दिखाया था और डॉक्टर अभी मंथली बुला रही है, तो आज जाती हूँ। फिर 9 मंथ में जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं, पता नहीं कौन कौन से, वो डॉक्टर लिख देंगी, तो फिर वो टेस्ट वगैरह मैं कराऊँगी और डॉक्टर क्या बोलती है डिलीवरी को लेकर के, क्योंकि मेरा सी सेक्शन है। तो फिर डॉक्टर बोल रही है कि पहले करेंगे, अब मिलते हैं डॉक्टर क्या बोलती है, कब का डेट देती है, फिर आपसे बात करते हैं। और अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल में। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मैंने ले लिया है, मगर बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ थी। डॉक्टर बार बार उठ करके ओटी में जा रही थी, कोई पेशेंट था ओटी में, तो हम लोग वेट कर रहे हैं और काफ़ी देर हो गई थी यहाँ पर वेट करते करते। थक गई थी मैं बहुत ज़्यादा, लगभग हम लोग आए थे यहाँ पर 12:45 में आए थे, और वेट करने के बाद दिखाने के बाद फिर लगभग 2 घंटे 2:30 बजे के आसपास डॉक्टर से मिले और फिर उसके बाद मैं घर आ गई। घर आने के बाद ये कुछ कपड़े वगैरह धोने के लिए डाले थे तो फिर ये सब सूख गए थे, इसको सरिया रही थी मैं। आज बेडशीट वगैरह धोने के लिए सारे डाले थे तो वो सब कुछ मैं अरेंज करके सरिया करके रख दे रही हूँ। और ये कपड़े वगैरह भी थे मेरे साथ साथ, मेरी बेटी पीहू वो भी बदमाशी कर रही थी यहाँ पर। और अभी जैसे नवरात्रा चल रहा है ना, तो मैं सुबह क्या करती हूँ, सुबह उठ के कुछ फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा लेती हूँ, मन करता है तो कोकोनट वाटर पी लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं नहाने जाती हूँ, नहाने के बाद आज नवरात्रा चल रहा है तो थोड़ा पूजा वगैरह करना रहता है ना, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। ऐसे नॉर्मल तो बस एक दिया अगरबत्ती दिखा दो हो जाता है, मगर नवरात्रा चल रहा है तो मैं एक छोटा सा किताब है दुर्गा चालीसा वो पढ़ लेती हूँ, आरती कर लेती हूँ, तो इसलिए थोड़ा मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह थोड़ा जल्दी उठूँ, क्योंकि पूजा करने में भी टाइम लगता है। फिर मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना रहता है तो उनको नाश्ता वगैरह देना रहता है, उससे पहले मैं कोशिश करती हूँ कि पूजा कर लूँ। ये तो कभी लेट हो जाता है तो फिर उनके ऑफिस जाने के बाद में नहाने जाती हूँ। तो घर में रहो तो कुछ ना कुछ तो काम रहो ही जाते हैं, और बच्चे का घर है तो सारा सामान इधर से उधर फैला के रखती है मेरी बेटी, कुछ भी एक जगह रहने नहीं देती। मैं सरियाती रहती हूँ, वो सारा सामान इधर उधर करती रहती है। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी मेरा थोड़ा हेल्प कर रहे हैं बेडशीट वगैरह लगाने में। और बेडशीट वगैरह सरियाने के बाद
मैं यहाँ पे लंच कर ले रही हूँ और मेरे हस्बैंड को खाने का मन नहीं था क्योंकि उन्होंने लेट से सुबह ब्रेकफास्ट किया था, इसलिए वो बोले कि लंच करने का उनको मन नहीं है। तो मैं यहाँ पे लंच कर रही हूँ और लंच में मैं चावल लेती हूँ, ज़्यादातर चावल दाल और सब्ज़ी ले लेती हूँ। लंच करने के बाद आज मेरा मन करा था आइसक्रीम खाने का, तो मैंने 2 स्पून आइसक्रीम ले लिया। एक्चुअली वेदर ठीक नहीं है, कभी धूप हो रही है, थोड़ी बारिश हो रही है, तो थोड़ा ठंडा जैसे मौसम है, तो इसलिए मैं जल्दी ज़्यादा खाती नहीं आइसक्रीम वगैरह ठंडा कुछ भी, लेकिन आज मेरा मन था तो मैंने आइसक्रीम ले लिया। और यहाँ पर शाम के 4 बज रहे हैं और मेरे हस्बैंड ने आज लंच नहीं किया था, उनको मन नहीं था, लेट से उन्होंने ब्रेकफास्ट किया था। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे लिए सूजी का उपमा बना दो, मैं वही खा लूँगा। तो मैं उनके लिए थोड़ा सा उपमा बना रही हूँ ताकि वो खा लेंगे। और आज नवरात्रा का टाइम चल रहा है, दशहरा का टाइम चल रहा है, तो मैंने बोला कि मुझे साईं बाबा के मंदिर थोड़ा घुमा दो। मैं सोच रही थी कि डिलीवरी के पहले काफ़ी दिन हो गए थे ना साईं बाबा के मंदिर गए हुए, लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया, तो मैंने इनको बोला कि डिलीवरी के पहले मुझे साईं बाबा के मंदिर एक बार घुमा दो आप, फिर तो मैं पता नहीं कब जा पाऊँगी, छोटा बेबी भी रहेगा तो मुश्किल हो जाएगा जाना, और डिलीवरी के बाद पता नहीं फिर कब जाना होगा। इसलिए मैंने बोला मुझे साईं बाबा के मंदिर घुमा दो और वहीं पर एक दुर्गा माँ का मूर्ति भी बैठता है तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। तो मैंने बोला कि चलो वहीं घुमा दो, ज़्यादा कहीं तो मैं नहीं जा पाऊँगी, बस एक जगह मुझे एटलीस्ट दिखा दो। तो फिर मैं उनके लिए मैंने सूजी का उपमा बनाया और मैंने उनको नाश्ता वगैरह करा दिया, पीयू को मैंने दूध वगैरह पिला दिया था, शाम का टाइम हो रहा था, मैंने भी आज दूध पी लिया था क्योंकि फिर आते आते फिर रात हो जाता तो मुश्किल हो जाता। तो यहाँ पर मैंने शाम के नाश्ते में ही उनके लिए सूजी का उपमा बना दिया, तो उन्होंने नाश्ता थोड़ा हेवी कर लिया था और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए बाहर रेडी होकर के। तो रास्ते में एक दो जो दुर्गा माँ का मूर्ति था, पंडाल था, तो पीयू को हमने दिखा दिया वहाँ पे। और उसके बाद फिर साईं बाबा के मंदिर हम लोग गए, तो यहाँ मंदिर में आरती हो रही थी और आरती आधा घंटा के आसपास हुई, तो उतनी देर हम लोग लाइन में ही खड़े थे और मैं खड़ी रह गई बहुत देर तक, अपने पैर में भी दर्द हो गया। तो ये साईं बाबा की आरती हो रही, अब काफ़ी दिन के बाद हमने आरती अटेंड किया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुंदर डेकोरेशन भी किया हुआ था यहाँ पर। के बाद बहुत ज़्यादा शांति मिलती है और यहाँ पे लेडीज़ की लाइन अलग थी और जेंट्स की लाइन अलग थी, तो पीयू मेरे साथ थी, मेरे हस्बैंड उधर दूसरी लाइन में खड़े थे, तो काफ़ी टाइम लग गया था, आधा घंटा 45 मिनट्स के आसपास यहाँ पे आरती होने लगा। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, आरती हो रहा है तो आरती अटेंड कर लेंगे, अच्छी बात है, क्योंकि मैं आरती यहाँ का फर्स्ट टाइम शायद अटेंड कर रही हूँ, उससे पहले बस दर्शन कर लेती थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद साईं बाबा का आरती होने के बाद, दर्शन करने के बाद फिर हम लोग चले गए दुर्गा माँ के पंडाल के पास। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर दुर्गा माँ का मूर्ति बैठा हुआ था, बहुत ही अच्छा था यहाँ पर। तो उसके बाद पीयू ने 2 रसगुल्ले खाए और उसने बोला पानी पूरी खाना है, तो थोड़ा सा उसने पानी पूरी खाया, उसके बाद हम लोग घर चले गए, काफ़ी थक गए थे और ये हो गई चुकी है रात यहाँ पर। अब पीयू इतना थक गई थी कि पापा से पैर दबवा रही थी, बोली थी पापा पैर दबा दो, और बदमाशी भी कर रही थी, बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। क्या क्या देखी आज भी बताओ? मैं देखी दुर्गा माता का पंडाल, आज हम गए थे साईं बाबा के
फ्रेंड्स आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करें, इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो गाइस मैं आ गई हूँ बाहर से और बहुत ही ज़्यादा हम लोग थक गए हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, पूरा पैर में लग रहा है ना कि दर्द हो रहा है, थोड़ा थोड़ा पैर में थोड़ा थोड़ा पेन जैसा लग रहा है थकान की वजह से। और मैंने डिनर कर लिया है, घर आने के बाद मैंने खाना खा लिया है, थकान हो गया था बहुत ज़्यादा इसलिए मैंने तुरंत नहीं, मैं कैमरा लेके बैठी, थोड़ा मैंने रेस्ट किया, उसके बाद फिर मैंने खाना वगैरह खाया, उसके बाद अब मैं हम लोग आ गए हैं सोने के लिए। और एक्चुअली क्या हुआ, आज डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर ने बोला कि ये अक्टूबर लास्ट ही मेरा डिलीवरी का डेट है, अक्टूबर लास्ट का, तो डॉक्टर बोल रही है कि 15 दिन पहले वो ऑपरेट कर देंगे। तो मैंने बोला भी कि इतनी जल्दी क्यों, तो उन्होंने बोला नहीं सेकंड डिलीवरी है तो 15 दिन पहले ऑपरेट करना पड़ेगा। तो फिर मैंने उसको डेट बताया जो डेट, तो उस डेट में बोल रही है वो कि बुकिंग हो चुका है, इस डेट में नहीं करेंगे, आप ये डेट पर कराओ नहीं तो इस डेट पर कराओ। तो मैं बोल रही हूँ कि ऐसे कैसे करा लेंगे, आप थोड़ा सोचने का तो टाइम दो, मैं जो डेट बोल रही हूँ उसके लिए वो रेडी नहीं हो रही थी। और 9 मंथ में जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं तो उसने वो लिख दिया था, ब्लड टेस्ट वगैरह और एक अल्ट्रासाउंड भी उसने लिखा था डॉक्टर ने। तो सब हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, अब सारा रिपोर्ट वगैरह टेस्ट वगैरह कराने के बाद रिपोर्ट लेकर आएंगे, उसके बाद डॉक्टर से एक बार मिलते हैं, फिर डॉक्टर क्या बोलती है देखते हैं। तो यही सब है आज, तो डॉक्टर यही बोली, आप लोग डिसाइड करके जैसा होगा बताइए, और जिस डेट पे हम लोग करवाना चाहते हैं उस डेट पे डॉक्टर फ्री नहीं है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, और मेरी मम्मी का इलेक्शन ड्यूटी भी है आ गया है बीच में, तो देखो पता नहीं, इसलिए मैं बोल रही थी कि एटलीस्ट उसके बाद कराऊं। मैं तो बोल रही थी कि अक्टूबर लास्ट का है तो 1 वीक पहले करा ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना, लेकिन खैर देखते हैं देखते हैं, अभी तो फिलहाल ब्लड टेस्ट वगैरह अल्ट्रासाउंड कराते हैं, अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और जैसा होगा जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों को बताऊँगी।